हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलजीत और आज आप देख रहे हैं जुगनू लाइट चैनल। मेरे वालों सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। अज गल करते हैं दमा अस्थमा दे बारे, की हुंदा है दमा और गल करते हैं। दमा श्वास संबंधी रोग है। ये बहुत ही तकलीफ देन वाली स्थिति है जिस विच हवा नाली विच बेकाबू रुकावट हो जाती है। इस नाल श्वास लेना औखा हो जाता है, खास तौर पर श्वास बाहर कढ़ना। ये है दमा। अगे इसके चिन्ह ते अगे इसके कारण की हन, एलर्जिक प्रति जिमें धूड़ मिट्टी पराग जा भोजन तो एलर्जी, आपां नूं किसी भोजन वगैरह तो एलर्जी हो सकती है, मिट्टी तो एलर्जी हो सकती है। ये दमें तो एलर्जी हो सकती है। अगे आ गया नर्वस टेंशन, अर्थात जदों व्यक्ति भावनिक तौर पर उखड़िया होवे, मतलब कि जदों की कोई दिमागी तौर पर टेंशन वगैरह होंगी है तो भी जिहड़ा दमा हो सकता, जिवें कि अपनी धड़कन वगैरह वध जांदी है, ये तां भी हो सकता है। मामूली जुकाम, खास तौर पर बच्चों के बच्चों जदों मामूली जुकाम आ जाता है तो उन्होंने अंदर छाती ते बलगम जम जाती है तो भी ये इनफेक्शन हो सकती है। इनफेक्शन दे कारण भी दमा हो सकता है। ये सन कारण, अगे दे चिन्ह ते लक्षण की हन, दमे दे की लक्षण हन। साह चढ़ना, साह लैण विच औखाई, साइनोसिस की हुंदा है, बेहोशी हुंदी है साइनोसिस। चेहरे दी ज़्यादा लाली, मतलब अपना चेहरा बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। बोलण विच रुकावट आउंदी है। साह लैंदे समय सू सू की आवाज़ आउंदी है। बच्चे कदे भी आपां देखिया होगा कि डॉक्टर जदों भी अपनी छाती चेक करदा तां स्टेथोस्कोप लेके चेक करदा ताकि वह सुनदा कि छाती दे विचों कोई सू सू वगैरह की आवाज़ तो नहीं आउंदी। ते दैन यही साह चढ़न दे अस्थमा दे लक्षण आ। ये मामूली भी हो सकदे ते बहुत घातक भी हो सकदे हन। अगे गल करते हैं इसके उपचार, इसके ट्रीटमेंट के बारे। दमे वाले रोगी नू हौसला दो, उसनू हौसला दो। रोगी नू कुर्सी उपर थोड़ा अगे नू चुक के बैठने लई कहो, मतलब कि उन्हों थोड़ा जा अगे नू चुक के बैठने लई कहना चाहिए है कुर्सी के उत्ते बिठा के। अजिही हालत विच मेज आदि का सहारा लेना चाहिए है, मतलब कि वो कुर्सी के अगे मेज वगैरह रख के उसनू अगे नू चुकन लई कहना चाहिए कि वो कूहणियां जिहड़ियां ओ मेज दे उपर रख के ते उसनू अगे नू सहारा देना चाहिदा है। अगे दैन इसका तीन नंबर ते, रोगी दे कपड़िया नू ढिला करो। कमरे दियां खिड़कियां दे दरवाजे खोल दो। जेकर रोगी कोल दवाई है तो उसनू खाण लई दो, क्योंकि इस नाल उसनू आराम मिल सकता है। जेकर कमरे बंद विच रोगी दी हालत खराब हुंदी है तो उसनू बाहर खुली हवा विच लेके जाओ। रोगी नू शांत माहौल विच रखो। रोगी दा ध्यान किसी होर पासे, उसका तनाव घट करो। रोगी नू काफ़ी मात्रा विच पीण वाले पदार्थ दो, इस नाल बलगम मादा घट हो जाएगा अते साह लैण विच आसानी होवेगी। जेकर रोगी नू हुण भी आराम ना मिलिया होवे तां डॉक्टरी सहायता लई हस्पताल लैके जाओ। वीडियो चंगी लगी तां वीडियो नू लाइक करो अते चैनल नू सबसक्राइब करो। इहो जिहियां वीडियो होर साडियां इसे चैनल ते मिलणगियां। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।